मेरे साथी और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई सज्जन कुमार वर्मा जी, प्रताप सिंह जी, महेश शर्मा जी, मुमताज जी, अर्चना जी और प्रेस और मीडिया के साथ, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो कुछ बातें हम रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते लोकतंत्र में मीडिया का भी इतना ही महत्व का रोल है। और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं कि मैं आपको तो कुछ चंद बातें कह दूंगा, पर जो डेटा और जो हकीकत है वो अर्चना जी आपको ईमेल करेगी, उसमें आप जरूर गौर कीजिए। हमने सोर्स के साथ, क्योंकि हम बीजेपी माने बहुत झूठी पार्टी नहीं है कि जो बिना सोर्स बताए मनगढ़ंत आंकड़े देते हैं, हम अपने सोर्स के साथ कि ये सरकार के या आरबीआई के या कहां से हमने डेटा निकाला है, उस सोर्स के साथ आपको आंकड़े भी देंगे। मेरी उम्मीद है कि आप उसको गौर से जरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हालत है। एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते सावधान हिंदुस्तान एक कहने का मौका आ गया। पूरी दुनिया में मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली यूपीए 1 और यूपीए 2 ने हमारे देश को दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अच्छा करने वाली भारत टॉप 5 में था। जुमले वालों की सरकार आई और टॉप 5 की रैंक से हमारा देश आज बाहर हो गया है। आपको मैं चंद चीजें जो बताना चाहता हूं। एक, किसी भी देश के लिए महत्व होता है अपने युवाओं के हाथ के रोजगार का। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSSO उनके डाटा के हिसाब से 45 साल में जो बेरोजगारी हमारे देश में नहीं थी 45 साल पहले, वो आज हमारे देश की हालत है। अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में एवरेज जो बेरोजगार का परसेंटेज दर है, जहां पे अफ्रीका के और कहीं ऐसे देश है कि जहां पूरा खाने को भी नहीं मिलता है, इन देशों को लोगे दुनिया का जो एवरेज है वो है 4.9% बेरोजगार का दर। और हमारा देश दुनिया के एवरेज से डबल हो गया, 8.5%, 8.5% से उस दर से हमारे देश में बेरोजगारी और हर महीने वो बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा इस देश की जनता को चुनाव के वक्त कहा था, मित्रों हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दो। सबके कानों में आज भी वो शब्द लफ्ज गूंजते हो। और हालत क्या हुई है कि आज देश में ज्यादा पढ़ाई करो और ज्यादा बेरोजगार रहो, क्योंकि यही NSSO के आंकड़े बता रहे हैं कि डबल ग्रेजुएट और जो PhD होते हैं वो और ज्यादा बेरोजगार है। और जब इस देश का युवा कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं मुझे रोजगार चाहिए, तो प्रधानमंत्री कहते हैं पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। और उस विचारधारा के बैठे हुए लोग कहते हैं कि भीख मांगना भी एक रोजगार है देश के युवाओं के लिए ये। और दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उसका बेटा जय शाह,
2004 में एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का टोटल वर्थ था 50,000 रुपया, सिर्फ 50,000। और हर साल वो कंपनी कभी 3,000, कभी 6,000, कभी 5,000 का नुकसान करती थी 2014 तक। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जय शाह की कंपनी, 50,000 की कंपनी कुछ ही हफ्तों में 80 करोड़ की हो गई। और 80 करोड़ की बनने के बाद वो कंपनी सेबी की साइड से गायब हो, फिर नई कंपनियां हैं आजकल जय शाह की। मैंने इसमें आपको जो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो चाहिए, जो रचना जी देगी, उसमें पब्लिक डोमेन में जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो चीजें रखनी चाहिए वहां के आंकड़े हैं। और आप सभी पत्रकार साथियों को भी ताजुब होगा कि जो जय शाह की कंपनी है कुसुम फिन सर्विसेज, कुसुम फिन सर्विसेज, ये कंपनी 2014 में जो मुनाफा करती थी वो 19,60,000 का था, माटे मोटे तौर पे मान लो 80 लाख रुपया का मुनाफा 2014 में करती थी। 5 साल में माने 2019 में जय शाह की ये कंपनी, इसका मुनाफा है 119.61 करोड़। इतना जो 80 लाख वाली कंपनी 116.61 करोड़ का मुनाफा, ये मुनाफा है आप नोट कीजिए, एक साल का मुनाफा। आप किसी भी व्यापारी के घर दुकान पे बिजनेस पे एक कैमरे की आंख लेके जाइए और पूछिए कि भैया क्या इतना ज्यादा मुनाफा कोई भी बिजनेस करो हो सकता है क्या? तो एक नोट चल रही है। मोदी जी आधा सचिव बोलते हैं कि मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं, पूरा सच ये है कि करोड़ों से कम वो और अमित शाह खाते नहीं, सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देते हैं, ये सही सच। शिक्षा इनकी नीतियों की वजह से इतनी महंगी हुई है कि अभी जो मेरे आंकड़े नहीं है, जो HRD मिनिस्ट्री है भारत सरकार की माने भाजपा की अगुवाई वाली, उन्होंने 8th एनुअल ऑल इंडिया सर्वे करवाया और उस सर्वे में आया है कि 74% बच्चे जो 18 से 23 साल के हैं वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है और शिक्षा इतनी महंगी इन्होंने कर दी है। GDP जो बढ़ना चाहिए, आंकलन था सबका, UPA 1-2 का हमारा रिकॉर्ड रहा है, आज RBI, मूडी या वर्ल्ड बैंक, सब एजेंसीज ने GDP का जो आंकलन था उसमें कटौती करनी पड़ी है। नया निजी निवेश के मामले में हम बहुत नीचे गिरे, घरेलू बचत 20 साल में सबसे कम घरेलू बचत अगर देशवासी आज करता है तो आज की हालत घरेलू बचत के मामले में हुई है। नया निजी निवेश रिकॉर्ड ब्रेक, इतना कभी कम नहीं हुआ था वो आज हुआ है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, कोर सेक्टर, निर्यात, ये सारी चीजों में गिरावट हुई। RBI का रिजर्व रहता है, कोई इतने सालों में उसको जो तय किया हुआ था उससे ज्यादा कोई उसे पैसा नहीं देता था। कल को युद्ध हो जाए, कल को कोई ऐसी आपदा आ जाए तो RBI का रिजर्व है उस वक्त पे काम आता है।
भाजपा की सरकार ने आरबीआई के रिजर्व को भी उठा लिया। 1990 में जब कांग्रेस विपक्ष में थी और एक खिचड़ी सरकार बनी थी, आरबीआई का हमारा देश का सोना गिरवे रखा था, आप सबको पता है। 1991 में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने और गिरवे रखा हुआ सोना हम वापस लाए। आज दोबारा हमारा सोना बेचा जा रहा है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं देश के बीच में एक जिम्मेवार ओपोजिशन के नाते, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम नहीं रुक रहे हैं, ये सारी सच्चाई आवाम तक पहुंचाने के लिए सोनिया गांधी जी ने ऐलान किया कि हम लोगों के बीच पे जाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे और एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते लोगों के पास ये बात पहुंचानी है। इसलिए 5 नवंबर से 15 नवंबर तक का 10 दिन का अभियान शुरू हुआ है। अर्चना जी यहाँ राजस्थान में जो प्रोग्राम उनके होने हैं उनकी डिटेल्स और मनरेगा के बारे में कुछ चीजें वो आपको सज्जन भाई बात करेंगे उसके बाद बताएगी। आज एक बड़ा महत्व का दिन इस देश की बर्बादी में इतिहास में लिखा जाएगा, वो 8 नवंबर है। आप सबको पता है कि 8 नवंबर को कहा गया था, भाई बहनों कल से 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा, याद होगा आप सबको। और उसी वक्त जिसको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि अगर देश की अर्थव्यवस्था कैसी चलानी है, किसी देश को सीखना है तो मनमोहन सिंह जी से सीखना चाहिए, उस मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि गलत कर रहे हो, ऐसे नोटबंदी नहीं होती है, मॉन्यूमेंटल डिजास्टर होगा। और मोदी जी ने 3 वजह बताई, एक बताया था कि काला धन बाहर आ जाएगा, दूसरा कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और तीसरा कहा था कि बहुत सारे नकली नोट है, वो नकली नोट यूं ही निकल जाएंगे और देश का अर्थतंत्र आबाद हो जाएगा। आप सबको याद है रात को टीवी के चैनल पे आके उन्होंने सब चैनलों पे लाइव चला था और बताया गया था। अब आपने देखा कि काला धन तो निकला नहीं, आरबीआई कहती है कि जितने नोट थे वो सारे वापिस आए, किसी काले धन वाले के नोट कागज नहीं हुए। तुरंत एक आतंकवादी पकड़ा जाता है और उसके पास 2000 के नोट थे, आतंकवाद और बढ़ गया, आतंकवाद तो कम हुआ नहीं। अगर 40 नोट ज्यादा थे तो वो कम आना चाहिए आरबीआई में, वो भी नहीं हुआ। 3 में से एक भी जो मोदी जी ने बताया था वो हुआ नहीं। और उसी वक्त मोदी जी ने कुछ कहा था, इन्हीं बातों को लेके मैं सिर्फ आपको उसकी क्लिप, एक क्लिप भी मैं आपको चाहिए तो भेज दूंगा। आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी चौराहे पे आइए, हमारी संस्कृति कांग्रेस पार्टी की तो नहीं है कि हम उसको फांसी के फंदे पे लगा दे, पर कम से कम आज के दिन देश की जनता से माफी तो मांगे, क्योंकि उनकी वजह से एक गरीब बहुआ बहन जिसने थोड़ा 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 करके कोई 500 या 1000 में पैसे बचाए थे और कहीं चावल में कहीं दाल में छुपा के रखा था कि कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो मैं खर्च करूंगी, उसको पता नहीं था कि नोट नहीं चलेगा, उनके पैसे कागज हुए हैं, किसी काले धन वाले का 1 रुपया कहीं पर भी बाहर नहीं आया। तो ये
जो काम मोदी जी ने किया है वो काम इस देश की अर्थव्यवस्था तोड़ने में सबसे बड़ा कारण रहा। और किसका फायदा हुआ? जिन्होंने आम आदमी को लूटा, गरीब आदमी को पता नहीं था कि मेरे पास 50,000 या 25,000 है, इस नोट का मैं क्या करूंगा, बैंक वाले पूरे लेते नहीं है। वहां अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने रात दिन तक, शुरू के 2 दिन पैसे ले लिए, राजकोट कोऑपरेटिव बैंक ने लिए, और फिर आरबीआई ने सर्कुलर निकाला कि कोऑपरेटिव बैंक ये नोट्स नहीं ले सकते हैं। पर फिर भी वो कोऑपरेटिव बैंकों ने 2 दिन में जो लिए वो पैसे सारे बदल दिए थे। फायदा किसका हुआ? ये कुछ चीजें सावधान हिंदुस्तान अभियान के चलते एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते कांग्रेस पार्टी 5 से 15 जो प्रोग्राम चलाने वाली है, अभी चल रहा है प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोगों के बीच, प्रेस और मीडिया के साथ हम ये बातें करते हैं, उसको चलते आज आप सबको मिलना हुआ। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सज्जन भाई आपसे बात करेंगे और उसके बाद अर्चना जी, मैंने जो 2 मुद्दे कहे उसकी बात होगी, और उसके बाद आपके कोई भी सवाल होंगे तो उन सवालों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद सत्य भाई। आदरणीय सत्य प्रताप सिंह जी, अर्चना जी, महेश भाई, मुमताज भाई, हमारे सभी प्रेस के बहुत सम्मानित साथियों, ऑडियो माइक थोड़ा नहीं, सर ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आप थैलिया 2-3 बार साथियों, कांग्रेस हमेशा देश के चौथे स्तंभ का सम्मान करते हुए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो बातें हमारे मन में है वो आप सब साथियों के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता को पता चले। जितने डाटा, जितने आंकड़े हिंदुस्तान में जिस विषय पे शक्ति सिंह जी प्रेस से मुखातिब होते हैं उतने स्टैटिक शायद देश में किसी के पास होते नहीं है, और वो यथार्थ के धरातल पे हर कसूटी पे वो आंकड़े इससे मजबूत होते हैं। उन्होंने कई बातें बताई, मैं 2-3 बातें शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। मैं जिस निमित्त राजस्थान आया हूँ, मेरा पहला मकसद था कि देश के जो हालात इस समय बने हुए हैं, एक फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से, सारा देश बड़ी उत्कंठा के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ उस फैसले का इंतजार कर रहा है। मैं राजस्थान और संपूर्ण देश की जनता से, सोनिया जी की तरफ से हम लोग आग्रह करने आए हैं कि फैसले का ना जश्न मनाओ ना गम मनाओ, फैसला जो भी आए उसे सिरोधारी करो, क्योंकि भारत की जनता हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करती है और जो भी फैसला न्यायपालिका का आता है हम लोग सर माथे लगाते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस शासित सरकारें हैं, ये जो फैसला आएगा अयोध्या से संबंधित, उसके बाद कुछ लोग ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस शासित राज्यों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो, धर्म और मजहब के नाम पे एक बार फिर मारकाट मचे,
लेकिन हमारी सरकारें मुस्तैद हैं, चाहे राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं कि इस तरह के किसी एलिमेंट को हम अपनी धरती पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं प्रदेश और देश की जनता से सोने जी की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग एक हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, हर धर्म और मजहब के मानने वाले लोगों को न्यायपालिका जो निर्णय है उसे माथे से लगाए। दूसरी बात, आर्थिक मंदी की बात सत्य सिंह जी ने कही बिल्कुल सही है। नोटबंदी का वो काला दिन आज ही है जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाइयों बहनों आज रात को 12 बजे ये 500,000 के नोट टेंडर हो जाएंगे। अकेली एक कंपनी का मैं उदाहरण देता हूँ, L&T, जहां नोटबंदी के बाद 14,000 नौजवानों के हाथ से रोजगार छीना गया था, 14,000 एक ही कंपनी से कर्मचारियों को निकाला गया था। इससे अंदाज लगा लीजिए कि हिंदुस्तान में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कितने लोगों को बेरोजगार किया गया होगा नोटबंदी के बाद। दूसरी बात, देश की अर्थव्यवस्था आप भली भांति परिचित हैं, सत्य सिंह जी ने पूरी बातें बताई। मैं नरेंद्र मोदी को इस मंच से आह्वान करता हूं, जिस समय पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था उस समय मनमोहन सिंह जी ने भारत को इतना शक्तिशाली अर्थतंत्र देके मजबूत बनाया था, नरेंद्र मोदी जी को मैं आह्वान इस बात का करना चाहता हूं कि तुमने जीवन भर झूठ बोला, 1.25 घंटे से कम तुम्हारा भाषण होता नहीं, जब चाहे जब मन की बात करने लग जाते हो कभी उस नौजवान के मन की बात सुनी, कभी उस हताश और निराश किसान की बात सुनी, अंतिम पंक्ति में बैठे उस मजलूम की बात सुनी, 1.25 घंटे 1.5 घंटे भाषण देते रहता जाओ, कभी तो उन मजलूमों की बात सुनना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि 7 दिन की ट्रेनिंग नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेना चाहिए। मेरा दावा है कि इस देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर समझ सकती है जैसे मनमोहन सिंह जैसे लोगों का एक कोई टिप्स नरेंद्र मोदी को मिल जाए। साथियों, इस देश को असल में नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा, इस देश को असल में चला रहे हैं अडानी और अंबानी। नरेंद्र मोदी की औकात भी नहीं है कि उनके बिना पूछे एक भी शब्द व्यापार नीति में या उद्योग नीति में लिख दे। अडानी और अंबानी तेल के भाव खोलते हैं, डीजल पेट्रोल के भाव ऊपर नीचे वो करते हैं, सारी की सारी व्यवस्था अडानी और अंबानी के आसपास बिना उनकी सलाह के नरेंद्र मोदी एक कदम चलते। तीसरी बात, इस देश में हाइपोथेटिकल थोड़ा सा मेरा सुनने वाले थे, दो तानाशाह नरेंद्र मोदी और अमित शाह, लेकिन हम भूल जाते हैं, मोहन भागवत का नाम भूल जाते हैं। मोहन भागवत एक समय चाबी उनके पास होती थी, जिधर चाबी घुमाते थे उधर तंत्र चलने लग जाता था, लेकिन एक साथ 2-3 तानाशाह एक म्यान में नहीं रह सकते। कभी देखना आप मोहन भागवत का भाषण वाषण, कभी उनके चेहरे का नूर इस समय उतरा हुआ। इन 3-4 वर्षों के अंदर मेरा दावा है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर जो द्वंद होगा, जो युद्ध होगा, निश्चित रूप से वो देखने वाला होगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती ना, एक तानाशाह चलेगा, दो तानाशाह नहीं रह सकते। बहुत जल्दी इस देश में इन दो महान आत्माओं का युद्ध होगा। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश शांति का टापू रहे,
भाषण वीरों से मुक्ति मिले। आज जो रिजल्ट आए हैं आप देख लीजिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के और अन्य राज्यों में जो उपचुनाव हुए थे उन परिणामों को आप देख लो तो जनता ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब झूठी बातों से देश और प्रदेश चलने वाले नहीं है। ये आगाज है, यदि इसी तरह झूठ की बुनियाद पर तुम सरकारें चलाते रहे, देश आर्थिक मंदी से जूझता रहा, इस देश का नौजवान निराशा के गर्त में डूबता रहा और किसान आत्महत्या करता रहा, तो आने वाला समय शायद बीजेपी के लिए ठीक नहीं होगा। इन परिणामों ने बता दिया है। आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों जहाँ तक कार्यक्रम की बात है तो आपको विदित है कि 11 तारीख को सभी जिलों में राजधानी जयपुर को छोड़कर विरोध प्रदर्शन होगा और इस क्रम में हमारे जो प्रभारी मंत्री और संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने जिलों में कल से प्रेस वार्ता शुरू करेंगे 9-10 को और बैठक लेकर के सफल आयोजन के लिए आह्वान करेंगे। उसके पश्चात 13 तारीख को राजधानी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, प्रभारी महासचिव, हमारे सचिव गण और सभी जो वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर गवर्नर हाउस तक हम एक रैली निकालेंगे और वहां पर हम अपना वक्तव्य भी देंगे और ज्ञापन भी प्रस्तुत करेंगे देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर। साथियों दोनों वरिष्ठ नेताओं ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था के क्या हालात है, कैसे पूरी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में आते आते अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचाया है। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रथम कार्यकाल में उन्होंने संसद के पटल पर कहा था मनरेगा को लेकर कि सबसे बड़ा बड़ा है और आज उन्हीं की सरकार के आंकड़े आ गए और उसमें पता चलता है कि मनरेगा में जो एंट्री लेवल की जो कोर्स होती है 18 से लेकर 30 वर्ष के जो युवा है रूरल एरियाज में वो लोग रोजगार पाने के लिए चूंकि सरकार रोजगार सृजन करने में विफल रही है तो रोजगार प्राप्त करने के लिए मनरेगा का सहारा ले रहे हैं और जो 2013-14 में जब हम बाहर हुए थे सत्ता से तब 58 लाख एक एग्रीगेट आता था ईयरली वो 70 लाख तक पहुंचा है इनके राज में इस समय, यानी कि रोजगार सृजन जॉब क्रिएशन में सरकार विफल रही है। और साथ ही साथ जो नोटबंदी की आज तीसरी बरसी है और बरसी के समय खुद RBI ये कह रहा है कि सब नई करेंसी मत छापे क्योंकि यदि आप छापेंगे तो हमारे एक्सचेंजर पर 35% का बर्डन और आएगा। जो अर्थव्यवस्था जिसका आकलन सरकार को भी 7-6% कर रही थी जिसे IMF वर्ल्ड बैंक ने उसको डीमोनेटाइजेशन के बाद 2% कम बताया और उसके बाद और गिरती जा रही है, उस अर्थव्यवस्था में 30-35% का इस चक्र पर बर्डन आना नई करेंसी, क्योंकि आपने देखा कल मैंने 20 रुपए का नोट देखा था नए रंग में आ गया है अब वापस से और 50 रुपए के नोट का भी रंग बदलने वाला है। सिक्योरिटी फीचर्स लगाने की बात कर रहे हैं तो अभी गोयल साहब ने अच्छे से बताया कि जब आपने नोटबंदी की थी तब कहा था फेक करेंसी नहीं आएगी, नोट बहुत सुरक्षित होंगे जबकि आतंकवादियों की जेबों में होंगे, तो अब आपको दूसरे कार्यकाल में याद आया सिक्योरिटी फीचर्स लगाने की। तो ये सारी चीजें जिसको विस्तृत रूप से कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में उठा रही है और जनता के बीच ले जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे मीडिया के साथ ही जैसा कि सिंह साहब ने कहा चौथा स्तंभ है वो भी हमारे साथ मिलकर के देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, सरकार को सीधा रास्ता दिखाने और विपक्षी भूमिका को जागरूक और पूरी जनता के बीच ले जाने में मुखर भूमिका है। धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि यदि आपके कोई प्रश्न है हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं से तो आप पूछिए। वर्मा जी आपने एक शब्द बोला है कि अडानी अंबानी देश को चला रहे हैं, क्या कांग्रेस के समय में अडानी अंबानी थे नहीं क्या? अगला सवाल ले लीजिए साथ में कि अंबानी के आपको पता है अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे लेकिन कांग्रेस के समय में भी पेट्रोल भरते भरते कहां तक पहुंच गए, लोगों के गाड़ियों में पेट्रोल भरने लगे, बताओ। मैं बता रहा हूँ उस समय भी थे उसके पहले भी थे लेकिन ये उसके बाद का समय काल चल रहा है, हमने उन्हें माथे पे नहीं बिठाया था। नरेंद्र मोदी साहब जो पिछला चुनाव जीते थे करोड़ों अरबों रुपया चंदा अडानी और अंबानी से लेके सरकार बनाने में उन्होंने, अब मीडिया के भाइयों को मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, वो बात सारी मीडिया वो खिचड़ी दाढ़ी वाले की चेहरा दिखाती थी। पिछला चुनाव था ना, जो चैनल खोलो नरेंद्र मोदी साहब जो चैनल, आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, जिन लोगों से करोड़ों अरबों का चंदा लिया सरकार बनाने में मदद ली
वही आज नरेंद्र मोदी के सर पे बैठे, हमने कभी सर पे बिठाया नहीं। प्रेम जी एक बात बताऊं आपको, आप याद कर लेना, आपको सबको याद होगा, आपको पता है मनमोहन सिंह जी के टाइम पे अंबानी जी के पेट्रोल पंप बंद हो गए। क्यों बंद हुए थे? क्योंकि उन्होंने उनकी नीतियों को स्वीकार नहीं किया। और जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया वहां पे पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, $40 प्रति बैरल आ गया, तो भी उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और अंबानी को जिंदा रखने के लिए सारे पेट्रोल पंप चल रहे हैं। और आपको पता है जब हमारा पेट्रोल महंगा बिक रहा था तो डीजल के लिए हर रिलायंस के पंप पे लिखा ₹1 डीजल सस्ता रिलायंस के पंप पे, क्योंकि आपने इनको पावर दी। मनमोहन सिंह जी ने उनको कभी महत्व नहीं दिया और उसीलिए उनके पंप बंद हो गए। बंद रहे पंप मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, ये अंतर है, आप पता कर लेना। और BSNL को मारने के लिए जियो की लॉन्चिंग पे श्री नरेंद्र मोदी ने अंबानी साहब की पीठ पे हाथ रखा हुआ था, BSNL मर जाए और जियो जिंदा रहे, ये सबके सामने। BSNL 15 साल से कंडीशन इन महाराष्ट्र इज कंसर्न द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, यू आर ब्रिंगिंग योर MLAs टू राजस्थान।